वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अगर हम मूवीज़ में देखें तो हमें सुपर हीरोज़ की कई पावरफुल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जो मूवीज़ में सुपर हीरोज़ के पावर लेवल्स दिखाए गए हैं वो कॉमिक्स बुक्स में उनके पावर लेवल्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। कॉमिक्स बुक में हमें सुपर हीरोज़ की कुछ ऐसी पावरफुल फॉर्म देखने को मिलती है जो मूवीज़ में हमें नहीं दिखाई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम सुपर हीरोज़ की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। तो 10th पोजीशन में है फ्लैश। DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में हमने फ्लैश की जो सबसे पावरफुल फॉर्म देखी है वो बैटमैन नाइटमेयर वाले सीन में देखी थी, लेकिन कॉमिक्स में फ्लैश इससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फ्लैश फॉरवर्ड कॉमिक सीरीज में हमें फ्लैश की सबसे पावरफुल फॉर्म देखने को मिलती है, जिसमें फ्लैश के पास मॉर्वियस चेयर की अनलिमिटेड नॉलेज और डॉक्टर मैनहट्टन की पावर आ जाती है। अब 9th पोजीशन में आता है कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। कॉमिक्स में हमें कॉस्मिक इमोर्टल हल्क, स्पेस पनिशर हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जैसी पावरफुल फॉर्म देखने को मिलती है, और इनमें से कौन सी फॉर्म ज़्यादा पावरफुल है ये सब आपके अपने पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है। कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के पास अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड गामा एनर्जी है। ये हल्क अपने सिर्फ पंचे से छोटे छोटे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। 8th पोजीशन में आती है कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म। अगर हम मूवीज़ में देखें तो हमें कैप्टन मार्वल उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म में देखने को मिलती है, लेकिन कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें उसकी बॉडी से एक वाइट होल जितनी एनर्जी निकलती है, वो मैजिक एनर्जी को छोड़कर बाकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। दोस्तों, 7th पोजीशन पर आती है वंडर वुमेन की फॉर्म। रिसेंटली रिलीज्ड एक कॉमिक में हमें वंडर वुमेन की सबसे पावरफुल फॉर्म देखने को मिली। वंडर वुमेन ने डेथ मेटल और लैसो ऑफ ट्रूथ को फोर्स फायर में मिला दिया, जिससे लैसो ऑफ ट्रूथ एक गोल्डन आर्मर में बदल गया जो कि एंटी क्राइसिस एनर्जी को चैनल करने में हेल्प करता है। इस फॉर्म में वंडर वुमेन के पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स है, जिसमें वो द डार्केस्ट नाइट को भी हराने का पोटेंशियल रखती है। 6 पर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पावरफुल फॉर्म, द ब्लैक प्रिस्ट फॉर्म। ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज आसानी से डोर मामू को हरा सकता है, और यहाँ तक कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला थैनोस भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज की ब्लैक प्रिस्ट फॉर्म के पास यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने तक की पावर्स है, तो आप खुद सोच सकते हो कि इस फॉर्म में डॉक्टर स्ट्रेंज कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। 5 पर आती है बैटमैन की सबसे पावरफुल फॉर्म। अगर हम मूवीज़ में देखें तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमें बैटमैन के सबसे पावरफुल सूट देखने को मिला था, लेकिन अगर हम कॉमिक्स बुक में देखें तो हमें बैटमैन की अनलिमिटेड नॉलेज वाली फॉर्म देखने को मिलती है जो उसे मॉर्वियस चेयर पर बैठने पर मिली थी, और बैटमैन की लैंटर्न रिंग्स वाली फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन बैटमैन की सबसे पावरफुल फॉर्म उसके जस्टिस बस्टर बैट सूट के साथ देखने के लिए मिलती है। इसकी मदद से उसने जस्टिस लीग के हर एक मेंबर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तो अगर हम सूट की बात कर रहे हैं तो हम आयरन मैन को कैसे भूल सकते हैं। मूवीज़ में आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर मार्क 85 था, जिससे वो थैनोस से लड़ा था, लेकिन यह आर्मर कॉमिक्स बुक में दिखाए गए आयरन मैन के पावरफुल आर्मर्स के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम कॉमिक्स बुक में देखें तो आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर आयरन मैन जिरान आर्मर है। इस आर्मर के पास सेलेस्टियल्स की पावर्स है, और साथ ही साथ नेगेटिव जोन से भी इसे इन्फिनाइट पावर मिलती है। तो दोस्तों, 3 पर आती है स्कारलेट विच। मूवीज़ में तो हम देख ही चुके हैं कि स्कारलेट विच कितनी ज़्यादा पावरफुल है। एंड गेम में तो उसने लगभग थैनोस की छुट्टी कर ही दी थी, लेकिन उसकी असली पावर्स का अंदाज़ा हमें कॉमिक्स बुक में देखने को मिलता है। हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में स्कारलेट विच सिर्फ अपने 3 बोलने पर 99.9% म्यूटेंट्स को पावरलेस कर देती थी, और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड की रियलिटी तक को भी चेंज कर देती थी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, 2 पर आती है थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म, जो है रून किंग थॉर। मूवीज़ में देखें तो हमें थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म तब देखने को मिली थी जब वो थैनोस से लड़ा था, लेकिन अगर हम कॉमिक्स बुक में देखें तो थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म रून किंग थॉर है। रून किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स की पावर है, और साथ ही साथ इसके पास रून मैजिक की पावर्स भी है।
थॉर की ये फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इस फॉर्म से सेलेस्टियल्स भी डरते हैं। थॉर अपनी इस फॉर्म में पास्ट और फ्यूचर देखने तक का भी पोटेंशियल रखता है और इस फॉर्म में वो ओडिन से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नंबर वन की तरफ। तो नंबर वन में आती है सुपरमैन की सबसे पावरफुल फॉर्म। तो अगर हम मूवीज़ की बात करें तो सुपरमैन की पावर को टक्कर देने वाले बहुत कम कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कॉमिक्स में तो सुपरमैन पावर लिमिट को भी ब्रेक कर चुका है। कॉमिक्स बुक में कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और सुपरमैन प्राइम वन मिलियन सुपरमैन की सबसे पावरफुल फॉर्म्स है। अब इन दोनों में से कौन सी फॉर्म ज़्यादा पावरफुल है ये बताना बहुत मुश्किल है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन असल में एक रोबोट है जिसे सुपरमैन की कॉन्शियसनेस कंट्रोल करती है। इस आर्मर को थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी थॉट इसके दिमाग में आता है वो रियलिटी में चेंज हो जाता है। वहीं जो सुपरमैन प्राइम वन मिलियन है वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स का सुपरमैन है जो अर्थ के सुपरमैन से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और असल में इसका कलर भी गोल्ड कलर का है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।